এত লোক অ্যাভেলেবেল না, এটা খারাপ দিক বলবো না, আমি বলবো যে এটা কাজের মূল্য থাকা উচিত, এবং যে আমরা খুব সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছি, আমি করবো ঝগড়াঝাটি থাকবে, এটা থাকবেই, বাট স্বাগতম সবাইকে ভিডিও রিয়াকশানে আমরা আবারও হাজির হলাম আপনাদের মাঝে আজকে নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওটি হচ্ছে পোর্স লাইফ ইন ইন্ডিয়া, টপ 10 পোর্স টু লিভ ইন ইন্ডিয়া। বুঝতেই পারছেন আজকের ভিডিওর মধ্যে কি থাকবে, আর আজকে আমরা এই ভিডিওটি একসঙ্গে দেখবো এবং এর মধ্যে কি আছে সেটা সম্পর্কে জানবো। আর আমরা এই ভিডিওটি নিয়েছি ইউটিউব চ্যানেল রক ফ্যাক্ট থেকে। তো চলুন সবাই মিলে একসঙ্গে ভিডিওটি দেখে আসি। इंडिया जो कि दुनिया का एक बेहद ही ज़्यादा महान लेवल का देश है, और इंडिया दोस्तों हमारा अपना देश पूरी दुनिया में कल्चर के लिए, फूड के लिए और कई तरह की दोस्तों खूबसूरत चीज़ों के लिए जाना ही जाता है, और स्पेशली हमारी डाइवर्सिटी और हमारी हिस्ट्री के चलते तो दोस्तों सभी देशों के लोग हमें पूरी तरह से पसंद करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके चलते हमें बेहद ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलता है इंडिया में रहते हुए, और इंडिया में रहने वाले लोगों को इन पॉस का दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिलता है, और ये बहुत बड़े फ़ायदे आपको दुनिया के किसी और देश में बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेंगे, और ये बड़े फ़ायदे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंडिया ने मार्केटिंग कर सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो दोस्तों लास्ट तक देखनी बनती है, क्योंकि वीडियो है हमारे अपने देश की, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखिए। नंबर एक पर नाम आता है दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। यकीनन दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में हम सब तो यही सोचते हैं कि जर्मनी जापान जैसे देशों में बहुत ही अच्छी ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन ये ना पूरा सच बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कई लोग पहले ही कह चुके हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश है, और कुछ बड़ी रिसर्च सर्वेस के अनुसार भी दोस्तों एक्सपर्ट्स का भी यही दावा है कि इंडिया का दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि बहुत सस्ता है, बेस्ट ना सस्ता ही। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आपको बसेस हर जगह देखने को मिलेंगी, टैक्सी हर जगह है, ऑटो रिक्शा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, इंडिया की सभी ट्रेन्स हर जगह दोस्तों चलती हुई नज़र आती हैं सभी लोगों के लिए बेहद ही सस्ते में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके चलते इंडिया में लोगों को कभी फील ही नहीं होता कि उनके पास गाड़ी भी होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फ़ायदा है दोस्तों अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। नंबर दो पर नाम आता है स्ट्रीट फूड का। यहाँ पर तो बिल्कुल टॉप नॉच, कंपैरिजन बनता ही नहीं है दुनिया के किसी भी देश का हमारे देश के स्ट्रीट फूड के साथ। और दोस्तों स्ट्रीट फूड ही क्यों, इंडिया के फूड के सामने ना दुनिया का हर फूड पूरी तरह से पड़ता है, कम से कम स्वाद के मामले में। तो दिल्ली का स्ट्रीट फूड दोस्तों दूसरे देश के लोगों को भी बेहद ही ज़्यादा पसंद आता है, और मुंबई के स्ट्रीट फूड को भी कोई भला कैसे भूल सकता है। इंडिया की हर बड़ी सिटी में या फिर छोटे टाउन्स में भी आपको स्ट्रीट फूड का दोस्तों पूरा मज़ा देखने को मिल जाएगा, और ये फूड चखने में बेहद ही ज़्यादा कमाल है, ऐसा मज़ा आपको बड़े से बड़े देश में देखने को नहीं मिलेगा। नंबर तीन पर नाम आता है दोस्तों डोमेस्टिक हेल्प का। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमारा इंडिया यूरोप से लेकर अमेरिका तक और साथ ही ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सभी बड़ी कंट्रीज़ को बीट करता हुआ नज़र आता है। इंडिया में तो अगर कोई इंसान मंथली 30,000 भी दोस्तों कमा ले तो वही काम वाली माली फूल वाला और ड्राइवर को हायर कर लेता है, क्योंकि इन सब के लिए आपके 8 से 10,000 रुपये ही खर्च होते हैं, और इतने ज़्यादा लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देश में अगर आपको काम के लिए ही कोई इंसान दोस्तों रखना हो, चाहे घर की सफाई के लिए ही, तो उसका ही खर्चा 1.5 लाख तक मंथली हो सकता है, यानी आपकी पूरी कमाई का 70 से 80% तो एक ही इंसान ले जाएगा। इसीलिए दोस्तों उन देशों में ऐसे खर्चे लोग बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंडिया में ये सब बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाएगी डोमेस्टिक हेल्प, क्योंकि पॉपुलेशन देश में ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटीज़ कम। यूरोपियन कंट्री में रहकर अगर आपको एक सेब ही खाना हो तो 150 से 200 का खर्चा होता है, और इंडिया में तो इतने पैसे में आपको 15 से 20 सेब भी मिल सकते हैं सही सीजन में। फ्रूट्स की दोस्तों बात आई है तो फ्रूट्स का राजा मैंगो, ये तो इंडिया में दोस्तों सभी लोगों द्वारा बेहद ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। इंडिया में रहकर आप फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते में मज़े के साथ खा सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों में दोस्तों
फ्रूट खाना आपको बेहद ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि उन देशों में कमाई तो ज़्यादा है, भले ही दोस्तों कमाई ज़्यादा है लेकिन फिर भी परसेंटेज के हिसाब से वहाँ पर फ्रूट्स इंडिया के मुकाबले आपको 15 से 20 गुना तक भी महंगे पड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल बात ही है, ये इंडिया में ही आपको देखने को मिलेंगे इतने सस्ते दाम पर इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ के फ्रूट, क्योंकि इंडिया में लगभग हर तरह का फ्रूट देखने को मिलेगा क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा ना होने के चलते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में दोस्तों वेदर इतना ठंडा होता है कि बहुत ही कम फ्रूट्स ही वहाँ हो पाते हैं, इसीलिए महंगे हैं। नंबर 5 पर दोस्तों नाम आता है होम डिलीवरी का। होम डिलीवरी का कंसेप्ट तो वैसे दुनिया के हर देश में आज के दिन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के जैसा होम डिलीवरी का सिस्टम कहीं पर भी नहीं है, यूएसए में भी नहीं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग की ही बात करें तो सामान इंडिया में भी डिलीवर होता है दोस्तों घर पर और अमेरिका में भी, लेकिन डिफरेंस ये है कि इंडिया में अगर आपको चीज़ कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना हो तो उसकी पिकअप भी दोस्तों आपके घर से होती है, लेकिन अमेरिका कनाडा इन देशों में अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना हो तो दोस्तों पिकअप आपके होम की नहीं होगी बल्कि आपको खुद जाकर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट देना पड़ेगा। रिटर्न करो सुविधा टास्क। डिलीवरी ऑप्शंस की भी बात की जाए तो इंडिया में बहुत टाइप की वैरायटीज़ की फूड की आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिलेगी जिसमें सिर्फ 30 मिनट का ही समय लगता है, तो इस मामले में इंडिया बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का देश है। नंबर 6 पर दोस्तों नाम आता है लॉयल वाइफ। अगर आपको सच्ची और बेहद ही ज़्यादा लॉयल दोस्तों लड़की चाहिए अपने साथ शादी करने के लिए तो इंडिया से ज़्यादा बेस्ट कंट्री आपके लिए कोई हो नहीं सकती। आंकड़ों के अनुसार भी दोस्तों पूरी दुनिया में फेथफुल वाइफ के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 पर रैंक करता है। इंडिया से ज़्यादा सच्ची और इंडिया से ज़्यादा लॉयल वाइफ आपको पूरी दुनिया में कहीं पर भी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगी। यूरोपियन कंट्रीज़ में तो दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अनफेथफुल वाइफ मिलना एक बेहद ही ज़्यादा कॉमन बात है, लेकिन इंडिया में ऐसा हो जाए चांस भी बेहद ही ज़्यादा कम होती हैं। नंबर 7 पर नाम आता है नेचुरल ब्यूटी का। इंडिया दोस्तों हर चीज़ में तो लगातार आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुदरत ने भी ना यहाँ पर पूरी अपनी खूबसूरती बख्शी है। हमारा महान देश इंडिया दोस्तों इतना ज़्यादा महान है कि यहाँ पर आपको आइस के बड़े बड़े माउंटेंस भी देखने को मिलेंगे, ग्रीनरी के माउंटेंस भी देखने को मिलेंगे, नेचुरल ब्यूटी पूरी तरह से हमारे देश में भरी पड़ी है। चाहे आपको डेजर्ट की खूबसूरती देखनी है तो चाहे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से ग्रीनरी देखनी है, सब कुछ इसी देश में मिल जाएगा। तो बड़ी बड़ी अगर हिल स्टेशन देखने का भी आपको शौक़ है तो वो भी दोस्तों इसी देश में मिलेगा। कमाल के तरीके से दोस्तों फूलों के बगीचे देखने हैं तो वो भी अपने देश में ही देखने को मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको मॉडर्न लेवल की सिटीज़ देखनी है तो वो भी दोस्तों आज के दिन इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। कुल मिला के एक ही देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। नंबर 8 पर नाम आता है फूड। अगर इंडियन फूड को दोस्तों हम इस लिस्ट में शामिल ना करते फिर तो ये वीडियो पूरी तरह से यूज़लेस, पूरी तरह से बेकार सी लगती। इंडियन फूड का रुतबा दोस्तों पूरी दुनिया में स्वाद के मामले में ना नंबर 1 पर है, और इससे ज़्यादा कमाल का फूड आपको पूरी दुनिया में शायद कहीं पर भी खाने को नहीं मिलेगा। ये दोस्तों सिर्फ इंडियंस का कहना नहीं है बल्कि यूरोपियन लोगों का भी यही कहना है, और अमेरिकन लोग भी अक्सर कई बार कहते हैं कि इंडियन फूड का स्वाद ना बेहद ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके चलते अब तो गोरे लोग भी स्पाइसी खाना खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इंडियंस के जितना स्पाइसी खाना आज भी दोस्तों उन्हें पसंद नहीं आता। इंडिया में तो दोस्तों हर स्टेट के हिसाब से अलग दर्जे के फूड है। पंजाबियों का अपना अलग फूड, गुजराती लोगों का अपना अलग लेवल का फूड, हिमाचल वालों का अपना फूड, राजस्थान वालों का अपना फूड, ऐसे ही दोस्तों बेहद ही अच्छे अच्छे फूड आपको इंडिया में खाने को मिल जाएंगे। तो वहीं साउथ इंडियन वालों का अपना कमाल का स्वादिष्ट फूड। कि वीडियो के बारे में दोस्त अपने विचार कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियोस डेली आपके लिए आनी है तो चैनल अभी सब्सक्राइब करो और घंटी को अभी फूट डालो। তো এই ভিডিওটা আসলে কিন্তু ইন্টারেস্টিং ছিল না, কিছু জিনিস আমরা কিন্তু আগে থেকে জানি বাট আবার নতুন করে দেখার মতো অনেকগুলো বিষয় সামনে আসছে। হ্যাঁ সেটাই, যেমন পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা যদিও বা বলছে যে পৃথিবীর অন্যান্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টের থেকে ভালো, আমি আমার কাছে বলবো যে এটা ভালো থেকে সস্তাটা বেশি, আর সস্তা এবং মানে অ্যাভেলেবল
এটাই বলবো যে সস্তা এবং অ্যাভেলেবেল। তো পাবলিক ট্রান্সপোর্টটা আসলে কিন্তু একটা বড় ব্যাপার, কারণ সহজে যাতায়াত করতে পারলেই কিন্তু মানুষের অনেকটা দুর্ভোগ দুর্গতি কমে। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে হ্যাঁ, এটা একটা বড় দিক। ফুডের ব্যাপারে বলা যায়, ইন্ডিয়ান স্ট্রিট ফুড আসলেই হ্যাঁ, কলকাতাতে আমরা যখন যে স্ট্রিট ফুড খেয়েছি তখন কিন্তু খুব মজা করেছে না? অবশ্যই, এখানকার আসলে স্ট্রিট ফুডগুলো ভালো। তো আমরা কলকাতা ছাড়া অন্য অন্য জায়গাতে যেখানে গিয়েছি, যেমন দার্জিলিং, শিলং, এই জায়গাগুলোতেও আমরা স্ট্রিট ফুড খেয়েছি, কিন্তু যেটা বলছে যে দিল্লির স্ট্রিট ফুডের নাম সেরকম, তো আমরা এখনও ওখানে যাইনি, তো ওখানকার স্ট্রিট ফুড এখনও টেস্ট করা হয়নি। বাট ও স্ট্রিট ফুড আসলেই খুবই মজার, খুবই মজার। এলাকা ভিত্তিক ওইটা বিভিন্ন ধরনের হবে থাকে। হ্যাঁ অবশ্যই, কলকাতাতে এক ধরনের, দিল্লিতে সেটা তো অবশ্যই। আর আরেকটা জিনিস যেটা বলেছে ভিডিওটার মধ্যে, সেটা হচ্ছে ডোমেস্টিক সার্ভিস যেটা আছে, তো এটা আসলে আমাদের এই দক্ষিণ এশিয়ার যে দেশগুলো আছে সেখানে আসলে ডোমেস্টিক সার্ভিসটা কিন্তু আসলে কস্ট অনেক কম এবং সহজে পাওয়া যায়, কারণ হচ্ছে একে জনসংখ্যা বেশি আমাদের এখানে, তো খুব সহজেই কিন্তু ডোমেস্টিক লোক সার্ভিসের লোকগুলো পাওয়া যায়। তো আমার কাছে মনে হয় বেশি, তার পাশাপাশি হচ্ছে কাজের সুযোগ কম, সুযোগ কম। হ্যাঁ, আর বাহিরে কিন্তু আসলে যেটা বললো যে উন্নত কান্ট্রিতে কিন্তু আসলে এত লোক অ্যাভেলেবেল না, যার কারণে কিন্তু তারাও আমাদের মতো দেশ থেকেই লোকজন কিন্তু নেয়, এবং সেখানে কিন্তু আসলে অনেক কস্ট আসে, কারণ সহজে কিন্তু পাওয়া যায় না, যার কারণে সেটা কিন্তু অনেক দামি হয়ে যায় জিনিসটা। তো এটা একটা দিক ছিল, বাট এটা শুনতেও কেমন জানি লাগে যে ডোমেস্টিক সার্ভিসটা আসলে সহজলভ্য আমাদের জন্য, আমরা ভালোভাবেও নিতে পারি, একটু একটু হ্যাঁ খারাপভাবেও এটা চলে আসে। এটা খারাপ দিক বলবো না, আমি বলবো যে এটা আসলে যে কোনো কাজের মূল্য থাকা উচিত এবং সব কাজই সমান, বাট যেটা হয় যে আমরা খুব সহজলভ্য হয়ে যাচ্ছি তাদের কাছে, আই মিন উন্নত দেশগুলোর কাছে, এটা আমার কাছে একটু খারাপ লাগে। ফ্রুটসের যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু তুই লক্ষ্য করেছিস যে আমাদের এখানে কিন্তু অনেক ধরনের ফ্রুটস পাওয়া যায়। আসলে ইউরোপে বা আমেরিকার দিকে কিন্তু এত ধরনের ফ্রুটস হয় না, ওদের ওয়েদারটা বেশিরভাগ সময় ঠান্ডা থাকে, তো যার কারণে কিন্তু গ্রীষ্মকালীন যে ফ্রুটসগুলো হয় সেগুলো কিন্তু তারা পায় না। আর ইন্ডিয়াতে কিন্তু বলবো নাতিশীতোষ্ণ আমাদের দেশের মতো, বাট তাদের কিন্তু আরও অনেক জায়গাগুলো আছে যেখানে, যেমন নেচারের কথাটা বলেছে, সেখানেও কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের নেচার আছে, তাদের ঠান্ডা প্রধান জায়গাও আছে। একই দেশের ভিতর অনেক ধরনের নেচার আমরা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এবং বরফের যে জায়গাগুলো সব মিক্সড আপ, তো সেখানে সেক্ষেত্রে বলবো যে সব ধরনের ফ্রুটস কিন্তু হয়, আর যার কারণে কিন্তু আমরা আসলে অনেক ধরনের ফ্রুটস খেতে পারে খুব সহজে। বাইরের মানুষও যারা আসে এইসব দেশে ঘুরতে বা আমাদের ইন্ডিয়াতে আমাদের দেশে আসে, তারা কিন্তু অনেক ধরনের ফ্রুটস খেতে পারে। তো এটা একটা ভালো দিক যে আসলে ফ্রুটসের সময় আমরা খুব ফ্রুটস এনজয় করতে পারি, যেমন এখন কিন্তু ম্যাঙ্গোর টাইম চলছে, তো বিভিন্ন ধরনের ম্যাঙ্গো পাওয়া যায় এখন, আর আমার একটা ফেভারিট ফ্রুটস হচ্ছে এটা, তো এটা আসলে অনেক মজার একটা খাবার। আরেকটা মজার পয়েন্ট কিন্তু এখানে বলছে যে লয়ালয়, হ্যাঁ এটা অনেক হাস্যকর একটা ব্যাপার, হাস্যকর না আই মিন অনেক মজার একটা ব্যাপার, কারণ ইউরোপিয়ানদের মধ্যে আসলে কিন্তু এরকমই হয়, বা আমেরিকান যারা আছে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, তো তারা আসলে এতটা লয়াল থাকে না হাজব্যান্ড ওয়াইফ, বা আমাদের মধ্যে যেমন একটা প্রতিশ্রুতি থাকে যে না সারা জীবন আমি একজনের সঙ্গে থাকবো, একজনের সঙ্গে কাটাবো, একটা লাইফ লিড করবো, বা সুখ দুঃখ সব কিছুই ভাগাভাগি করবো, ঝগড়াঝাটি থাকবে এটা থাকবেই, বাট সব একসঙ্গেই থাকবো, একসঙ্গে চলবো, আর ওদের ক্ষেত্রে এই স্যাক্রিফাইসটা থাকে না। অনেক সময় মতের মিল হচ্ছে না, এখন আর তো ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, অনেক অনেক সমস্যায় তৈরি হয়, তো সেক্ষেত্রে বলবো আসলে এই পয়েন্টটা খুব ইন্টারেস্টিং ছিল, আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে, মজাদার একটা পয়েন্ট। আরেকটা ব্যাপার যেটা বলছে খাবারের ব্যাপারটা, আসলে ইন্ডিয়াতে বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন ধরনের খাবার পাওয়া যাচ্ছে, বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন হ্যাঁ স্বাদে তো অবশ্যই টেস্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়। আমাদের দেশে যেমন ধর যে চিটাগাং বা ঢাকার দিকে যেমন রান্না বান্না বা খাবারের একটু টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, তারপর হচ্ছে যে বরিশালে গেলে বরিশালের দিকে আরেক ধরনের খাবারের টেস্ট চেঞ্জ হয়, তো সেরকম তাদের যেহেতু বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের রান্না বান্না এবং খাবার দাবারের প্রচলন আছে, এক জায়গা থেকে কিন্তু আরেক জায়গা মিলবে না। কলকাতাতে গেলে যেমন ধরনের খাবার পাবো, আমরা কেরালাতে গেলে ঠিকই তার অন্য ধরনের টেস্ট পাবো। হ্যাঁ অবশ্যই, আর মশলাও কিন্তু
এক এক জায়গাতে মশলা কিন্তু এক একভাবে ইউজ করে, তো সেক্ষেত্রেও বলবো যে খাবারের টেস্টটা আসলে অন্যরকম হয় আমাদের এই এলাকাগুলোতে। তো এটা আসলে একটা বড় ব্যাপার, আমাদের পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের তুলনায় আমাদের ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বলবো যে এই এলাকার খাবার দাবার কিন্তু আসলে খুব মজার। তো ওভারঅল ভিডিওটি আমাদের কাছে ভালো লেগেছে, আশা করি আমাদের সাথে সাথে ভিডিওটি আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজকের মতো আমরা এখানেই বিদায় নিচ্ছি, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাবধানে থাকবেন।